तो बैक टू होम, माइलो दिख नहीं रहा है। अच्छा, और दादी ने तो भाई सुबह सुबह फर्श धो दिया। आज क्या बनाओगी आलू गाजर दोपहर को? लक्ष्मी गुड मॉर्निंग। क्या बनाओगी तुम ब्रेकफास्ट में? आलू गाजर। तुम भी आलू गाजर, मम्मी भी आलू गाजर बोल रही हैं। ब्रेकफास्ट में परसों मैंने खाया था दलिया, कल खाए थे ओट्स, और आज कुछ और खाते हैं। आज कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं कुछ और। मेरे को तो टेंशन है नहीं भाई ब्रेकफास्ट की, तुषार और भाई कोई टेंशन रहती है। चलो भाई टीवी को ओपन करते हैं सबसे पहले और अपना ब्लॉग देखते हैं। आज 8 बजे ब्लॉग आ गया होगा, उसको देखते हैं। धनोल्टी वाला ब्लॉग आया आज। देखो एक चीज दिखाता हूँ, ये मैंने नई शर्ट ली थी पार्क एवेन्यू से। मैंने जब खरीदा था ना 10 बार खरीद चुका उनके यहाँ से कपड़ा, लेकिन कई साल तक मैंने नहीं खरीदा। इस बार मैंने खरीदा तो मैंने उनको क्लियरली बोल दिया भाई छोटी तो नहीं आएगी, और ये देखो भाई कहाँ तक पहुँच गई है ये धोने के बाद। नहीं, धोने के बाद जैसे दो एक दो बार धोती है ना, यहाँ पहुँच जाती है। हाँ, पूरी श्रिंक हो जाती है। अब इनका क्या करें, इनका इलाज। और मैंने क्लियरली बोला था भाई तुम्हारी ऐसे श्रिंक हो जाती है, कह रहे सर ये धो के आती है, ऐसे श्रिंक नहीं होती है। और ये देखो भाई लिटरली ये देखो कहाँ तक पहुँच गई। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है? और पार्क एवेन्यू के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है। ये हो गया शर्ट का ना। ये क्या, यहाँ पे तो ना पानी है ना दाने हैं चिड़ियाओं के लिए। चलो अभी लाता हूँ। तो दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं देहरादून से सुभाष चौधरी ब्लॉग। मैं आपको जब भी मौका मिलेगा ये सेब का पेड़ दिखाऊंगा, जो कि इकलौता सेब का पेड़ यहाँ देहरादून में खड़ा है। इस तरह के व्हाइट कलर के फूल इस पे आने शुरू हो गए हैं, और बीच बीच में ये रेड कलर के फूल भी फूट रहे हैं। इसके रेड कलर से देखो ऐसे फूटते हैं फूल। ये देखो ये वाइट, ये है ना, ये खुल जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इस तरह से। मस्त मदमस्त हवा चल रही है, भंवरे सेब के पेड़ पे आके बैठ रहे हैं, और पहाड़ दिख रहे हैं मसूरी वाले, जो कि धीरे धीरे हेज की आगोश में आ रहे हैं जैसे जैसे धूप बढ़ेगी। जैसे गर्मियों में ना ये थोड़ा सा हेज दिखता है, सर्दियों में भी दिखता है, गर्मियों में भी दिखता है, रहता ही है। सो अभी भाई सीन ये है कि मदर को लेकर जाना पड़ रहा है डॉक्टर के पास, क्योंकि मदर को कुछ पता नहीं नस वस खिंच गई है, क्या हो रहा है, मसल प्रॉब्लम है, तो इनको मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे एक डॉक्टर है, मदन डॉक्टर, जहाँ तुषार को लेके गया था कुछ दिन पहले, तो वहाँ ले चलते हैं। चलो तो अभी घर के अंदर ये देखते हैं क्या कर रहा है। ये बैठा, ये बैठा, आए लोग का खाना देख लो, ये रखा, ये देखो मेरे को कैसे देख रहा है, बिल्कुल एक टक देख रहा है, बिल्कुल सीधा। मेरे को इग्नोर कर रहा है। मदर के साथ पहुंची हूँ सामने डॉक्टर मदन के यहाँ पे। सो ठीक है दोस्तों, डॉक्टर को हमने दिखा दिया है मम्मी को, और इनको कुछ मसल में ही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये मेरी साइकिल आज बहुत बढ़िया चली, और कल सर्विस कराई थी ब्रेड वाले के यहाँ पे, जो कि यहाँ पर है पैसिफिक गोल्फ के गेट पे, नई दुकान खुली है। मस्त सर्विस करी है, 1100 रुपये उसने लिए। ये डिस्क चेंज किया था उसने, डिस्क पैड बोलते हैं शायद उसको। और भाई बाइक क्राफ्ट वाला जो भंडारी ब्लॉग है ना, जो साइकिलिंग करता है, उसकी दुकान है बाइक क्राफ्ट इमाल देवता रोड पे, उसका वर्कर इतना नालायक है। उसने क्या किया, एक आवाज़ आ रही थी इसमें बहुत दिनों से, आवाज़ किस चीज़ की थी, ये जो चैन है ना, ये जो चैन है ये इसमें लग रही थी, उसकी आवाज़ थी। मैंने उसको बोला भाई ये आवाज़ आ रही है, उसने चला के देखी, उसको समझ में नहीं आया, उसने कुछ अंदर का पार्ट चेंज कर दिया यहाँ का अंदर का, और मेरे ख्याल से वो पार्ट था 1800-1900 रुपये का, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, कुछ अराउंड इतने का था। तो उसके बाद भी वो नहीं गई, तो पैसे मांग रहा, पैसे दे दो। मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने कहा भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, तुमने तुझे समझ में ही नहीं आया प्रॉब्लम क्या है, जब प्रॉब्लम ही ठीक नहीं हुई मैं पैसे किस चीज़ के दूँ। तो क्या हुआ, मैंने इसको बोला भाई ये वाली प्रॉब्लम नहीं जा रही, मैंने कहा बाइक क्राफ्ट वालों से भी ठीक नहीं हुई। उसने फिर ध्यान से देखा, उसने कहा ये यहाँ लग रही है, फिर उसने इसको घुमाया, इसको ना इसको घुमाया, कह रहा भाई अब ठीक हो गई, अब ठीक चल रही है, मस्त चल रही है। मतलब ये देख लो, वो बाइक क्राफ्ट का जो मैकेनिक है वो लड़का, वो यंग ही है काफ़ी, तो वो उस नालायक को इतना नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम के चक्कर में उसने अपना 1700-1800 रुपये का ये मेरा ये पार्ट चेंज कर दिया, ओरिजिनल पार्ट। तो ऐसा भी होता है भाई, साइकिल वाले ऐसे भी होते हैं। तो ब्रेड वाला अच्छा निकला मेरे लिए, उसने बढ़िया सर्विस किया। तो पैसिफिक गोल्फ के गेट पे जो ब्रेड वाला, उससे सर्विस कराओ एज़ कम्पेयर टू बाइक क्राफ्ट वाले से। दोस्तों 5:15 बज रहे हैं, और अच्छी खासी यहाँ पर धूप हो रही है, और अभी हम प्लॉट पे ही जा रहे हैं, भाई भी जा रहा है, और अभी से एक भाई भी आ रहे हैं ठेकेदार को लेके, आज फाइनली डीमार्केशन करवा देंगे उसकी, कहाँ कहाँ पे गड्ढे खुदने हैं, कहाँ कहाँ पे क्या होना है। भाई प्लॉट पे आए थे और मिस्त्री ने एक जल्दबाजी में थोड़ा सा गड्ढा गलत खोद दिया, तो भाई बता रहा है इसको ठीक करना पड़ेगा। और इधर पैसिफिक का बास्केटबॉल कोर्ट है, और इस तरफ वॉलीबॉल पड़ी है भाई पैसिफिक वालों की। ये बास्केटबॉल उधर से आई है, तो ये फेंक देता हूँ। सो भाई अचानक से मनीष भाई का फ़ोन आया, तो वो आ गए थे पैसिफिक कॉल से, उन्होंने बोला थोड़ा सा गेड़ी मार के आते हैं, तो मैं फिर इनके साथ यहाँ पे आ गया था। तो अभी एक यहाँ पे एक कैफे खुला है क्रिसाली चौक पे,
तो दीवा नाम से है वो, लेकिन वो बंद हो चुका है भाई। और कुछ सामान और लेना था क्योंकि कल कॉर्बेट जा रहा हूँ, तो कुछ वो तो मैंने सब ले लिया है, बाकी कल मॉर्निंग में देखेंगे। सो भाई जिस कैफे में जा रहे थे वो तो क्लोज मिला, तो आगे चाय फॉर पब्लिक है उसमें थोड़ा सा बैठ लेते हैं। सो अभी आ गए चाय फॉर पब्लिक में, और भाई देखो स्थल की तरफ, डीपीएस की तरफ, काला गांव की तरफ बंद हो गई, कितनी शांति है। इन्होंने भी भाई एक शटर डाउन कर दिया, एक खुला। और जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। चाय तो मैं दे सकता हूं, चाय दे दो बस। और गार्लिक ब्रेड? गार्लिक ब्रेड नहीं, गार्लिक ब्रेड तो कह रहे मिल जाएगी, चाय भी मिल जाएगी, बस अभी अगर हम 10 मिनट लेट हो जाते फिर तो आप निकल जाते। और देखो इन्होंने मशीन ऑन कर दी है, और मनीष भाई से मिलिए। हेलो मनीष भाई, आज मेरे साथ साइकिलिंग पे जाने वाले थे लेकिन मैंने बस अभी मैं कॉर्बेट जा रहा हूँ, फिर उसके साथ दोनों घूमेंगे आसपास, और क्योंकि अप्रैल मंथ चल रहा है, अप्रैल मई में दबा के साइकिलिंग करेंगे। तो अपनी गार्लिक ब्रेड आ गई है, वेजिटेबल वाली मंगाई हमने। ठीक है सर, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया लगी चाय, भैया ने हमारे लिए जबरदस्त दुकान खोली भाई। ठीक है, मिलते हैं फिर, है ना? ओके, ठीक है जी सर। आपके यहाँ चिड़िया रह रही थी पेड़ में, कहाँ गई वो? अपने आप ही उड़ गई? वो सब उड़ती रहती है, आती रहती है। यहाँ पे शांति देखो ना कितनी हो गई है। अब ये जंगल में ले चलते हैं। अच्छा, थोड़ा चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। जंगल का आजकल तो लेपड़ की कोई मूवमेंट कम हो रही होगी, तो काफी टाइम से 2-3 महीने हो गए। हां नहीं यार, उधर से लगे सर जी ना, अभी नहीं, अभी पकड़ भी तो लिए, सारे पकड़ लिए। हाँ, वैसे इस तरफ तो खैर कम ही है, कभी कभी आ जाता है, नहीं तो खलंगा के पूरे फॉरेस्ट में एक दो टाइगर, एक दो लेपर्ड होंगे बस, ज्यादा नहीं है इसमें लेपर्ड। हिरन तो काफी है, हिरन तो आपने यही देख लिया होगा, यहीं खड़ा रहता है, यहाँ पे हमेशा रहते हैं। हाँ हमेशा रहते हैं, वो मैंने बोला था नील गाय, देखोगे नील गाय काकड़ हो गया, और एक बार्किंग डियर, वो स्पॉटेड डियर वो भी रहता है, वो भी है। आप 10-11-12 बजे कभी इधर आओगे ना, बैठोगे ऊपर तो सामने दिखेंगे, सामने दिखेंगे। नील गाय तो एटलीस्ट वहाँ रहती है, हाँ थोड़ा ठंडा है। वाइल्ड बोर भी, जंगली सुअर भी काफी है, बहुत जंगली सुअर है, मतलब जानवर तो सारी है, चिड़िया भी सारी है। और ये जंगली जो मुर्गियां हैं ना, हाँ, ये करीब लाइक 3-3.5-4 बजे के करीब, हाँ, हाँ, ये सारे उड़ के नीचे आती है। अच्छा, से, हाँ, और हमारे पीछे जो खेत है ना, हाँ, उधर चले जाते हैं, चुपती हैं, और फिर 1-1.5-2 घंटे बाद फिर वापस एक सुबह दिन निकलने से पहले है ना, इवनिंग में, इवनिंग में दोपहर का टाइम की बात है। हाँ दोपहर को देखी थी मैंने, दोपहर को सुबह में साइकिलिंग कर रहा था ना, मैंने देखी, आज मैंने रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे भी आएगा। नहीं तो बेस्ट है ये दोस्तों, थोड़ा सा घूमते हैं स्थल में, रियली क्या पीस है। सो भाई अभी स्थल में नाइट ड्राइव कर रहे हैं, कुछ दिखेगा तो जरूर रिकॉर्ड करेंगे, बाकी बातें चल रही हैं। यहाँ की अलग ही वाइब्स है भाई, अलग ही हवा है। मैं ससदारा के पास पहाड़ पे गया था अभी से एक भाई के साथ, जो हम उनके जो फ्रेंड हैं अमित भाई, वहाँ पे अपना एक होटल बना रहे हैं। क्या हवा चल रही थी, सुपर। इन जंगलों से क्या हवा आती है, क्या खुशबू आती है, एक अलग ही बात है। बस यूट्यूब के थ्रू तो आप उसको महसूस नहीं कर सकते, बस देख ही सकते हैं, लेकिन रियली सुपर। ये देखो बिल्कुल लाइट बंद कर दी है, तो कितना अंधेरा हो गया। रेड वाली ये उससे सोलर से चार्ज होती है, ये है ना, ये जो जल रही है। दो मिनट रोका जाए, 2 मिनट रोक सकते हो, ले लो लेफ्ट, मेरा फेवरेट स्पॉट है ये, तो बेस्ट है, रोक लो 2 मिनट, हाँ रोक लो, और जंगल का मजा लो क्योंकि जंगल खत्म है ना। हाँ थोड़ी देर कार रोक लो और देखो महसूस करो, थोड़ा सा शीशे उतार के। एक बार लेपर्ड रोर कर रहा था इस तरफ, ये कैसे होगा शीशा। अभी हमने थोड़ी देर के लिए इंजन बंद किया है, कितनी शांति है भाई। अभी सुना जंगल में से आवाज आई उस तरफ से, एक एक दो दो कार आई रही है भाई, एक एक मिनट पे चलती है, 12-1 बजे तक है ना ये चलती रहती है, ये मुझे लगा पूरी रात ही चलती होगी, पूरी रात का नहीं पता, 1 बजे तक तो मुझे पता है, 12 बजे तक ट्रैफिक है इस पे हल्का हल्का। अच्छा गाड़ी का, बाइक का, हाँ देखो हमारे सामने एक मिनट पे 2 गाड़ी चली गई है, अब देखते हैं अब कितनी देर में आएगी। एक और कार आ गई आधे मिनट के अंदर, तो यानी कि आधे और 1 मिनट में कार आ रही है यहाँ पे, तो यानी कि आप पैदल जा सकते हो, आप सेफ हो, जब तक आप पे लेपर्ड अटैक करेगा या घसीट के ले जाएगा जंगल की तरफ को, जब तक कोई ना कोई कार वाला जाएगा और बचा सकता है आपको।
थोड़ा सा आगे चलते हैं जहाँ पे अपना प्लॉट है वहाँ पे जाके खड़े होते हैं, मजा आ जाता है भाई वहाँ पे नाइट में ना, वहाँ से पूरा मतलब ऐसा व्यू यहाँ से भी नहीं आ रहा, यहाँ पे तो चारों तरफ साल के पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वहाँ से भाई पूरी वैली दिखती है, बहुत अच्छा लगता है, काले काले पहाड़ दिखते हैं। आज वैसे भी हाफ मून है शायद, तो थोड़ा दिख जाएगा। हाँ ये देखो दोस्तों पहुँच गए हैं स्थल में, इस तरफ ही लगा लेना लेफ्ट में, नहीं अच्छा तो आ गया है, ये बजाज का है, बजाज का एनजीओ पूरा कुछ है, बजाज ग्रुप का कुछ का। सो दोस्तों ये स्थल उस तरफ बोथा विलेज, ऊपर की तरफ वो लाइट दिख रही है येलो कलर की, माल देवता, और उस तरफ द्वारा, बहुत शांति, बहुत खूबसूरत है यार। मनीष भाई भी कह रहे हैं बहुत गजब का एरिया भाई, बहुत ऐसा लग रहा है कि सामने तारे जमीन पे उतर आए। हाँ हाँ बहुत प्यारा एरिया है, बहुत प्यारा है। समझ में आ रहा होगा ना क्योंकि वो ग्लेयर आ रहा है, बट आंखों से ऐसा लग रहा है कि आपके बैकड्रॉप में किसी ने तारे भेजे। हाँ एक्चुअली आज फुल मून भी नहीं है ना, वरना ये जो पहाड़ है ना पूरा शेप दिखाई देती है, पूरे ब्लैक ब्लैक दिखाई देते हैं। तो हम पूरा सर्किट ले रहे हैं अभी तो एंटी क्लॉक वाइज, और अभी माल देवता वाले एरिया में पहुंच गए हैं जहाँ पे वो छोले कुलचे मिलते हैं, अभी तो सब क्लोज है। ये साइकिल रूट है मनीष भाई पूरा, यही साइकिल रूट है, इसी को कवर करना है, मैं इसी को कवर करता हूँ, और इसको जब मैं एक्सपर्ट बन जाता हूँ ना कुछ, मान लो 12-13 दिन हो गए साइकिल चलाते हुए, तो थोड़ा स्पीड हो जाती है, लंग्स खुल जाते हैं, पैर में जान आ जाती है, तो इसको मैं 45-50 मिनट में इस रोड को घर से पूरा ऐसे स्थल से आऊंगा नीचे से ऐसे पूरा कवर कर देता हूँ। इसमें धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रही है ना रोड, कभी मैं इधर से आता हूँ कभी उधर से चला जाता हूँ जब मन करता है, लेकिन आप यकीन मानना जब सुबह साइकिलिंग होती है यहाँ पे 8:30-8:30 इतनी चिड़िया तो धूप निकल रही होती है ना, जानवर खतरा नहीं है ना, नहीं नहीं कहीं भी खतरा नहीं है, आ गया, कुछ नहीं, आ गया, जंगल कहीं भी, हाँ कहीं भी खतरा नहीं है कुछ भी, सुबह भी उस पे इतने लोग मिलेंगे आपको स्थल वाली पे कि पूछो ही मत ना, इतने वॉकिंग करने वाले। दाई हाइव का तो मेरे को पता नहीं है, पर मैं आया हूँ ऊपर भी गया हूँ यहाँ पे, हाँ वाइल्ड खरगोश, भाग गया भाई, वाइल्ड था जंगली खरगोश भाग गया है, आज कार के आगे नहीं भागा वरना कार के आगे भागता। देखो अभी हम वहाँ थे, मैं दिखाता हूँ लेफ्ट में ऊपर जंगल में स्थल पूरा ऐसे आए हैं, देखो इस तरफ से घूमते हुए आए हैं, बहुत प्यारा एरिया है, कितना बढ़िया पानी, देखो हाँ इधर से पानी की आवाज़ आती है, बहुत प्यारा पानी है, ये देखो भाई नदी बह रही है राइट में, मुझे ये वाला एरिया बहुत प्यारा लगता है, कुछ घर है ये राइट में जंगल और इसके नदी के बीच में, सिर्फ लोग अपने लिए पर्सनल वो बना रखा है लेंटर पुल, सीधा जाओ अपने घर में कितना बेहतरीन है ना, और यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं भाई इतना, ये देखो घर बन रहे हैं एक से एक घर बन रहे हैं, ये एरिया बेस्ट है, अभी भाई किसी को इन्वेस्ट करना है कर लीजिए, अभी भी टाइम है, बार बार बोल रहा हूँ, लोग शौक पूरा कर रहे हैं, दबा के प्लॉट खरीद रहे हैं, दबा के घर बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे रहने में, ये ज्यादा लोगों ने यहाँ पे चिड़िया भी बहुत है। मनीष भाई ओके गुड नाइट है ना, मिलते हैं ओके ओके बाय। दिखा ना मेडिसिन कौन कौन सी आई है, तो भाई मम्मी के जो पेन हो रहा है उसकी मेडिसिन दिखाता हूँ कौन कौन सी दी है डॉक्टर ने, डेक्सामेथासोन, एक है ओमेप्रेजोल, ये तो खाली पेट वाली है, यहाँ पर अपना ये सूटकेस लग चुका है, एक ही सूटकेस लेके जाएंगे, लक्ष्मी को बोला कम से कम सामान रखना क्योंकि सिर्फ 2 रात के लिए जा रहे हैं, तो भाई मैंने तो 3 शर्ट 2 पैंट बस यही रखा है, तुम भी बस 3 जोड़ी कपड़े रखना, एक पहन के जाना और दो जोड़ी और रखना, फालतू कपड़े बिल्कुल मत रखना। ठीक है दोस्तों मिलते हैं कल मॉर्निंग में, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट कर दो, गुड नाइट।